ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंक 3, ठीक है, आषाढ़ का। तो अपने अंक 2 में क्या पढ़े थे अभी तक? बेसिकली जो लास्ट सीन था ना, जैसे सी आपका मिस हुआ था तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। अपना जो लास्ट सीन था वो पता है क्या था? अपनी जो अंबिका है वो अंबिका बोल रहे, जो मल्लिका है वो पूरी टूट गई थी, isn't it? बोलो वंशिका, आपका तो किया हुआ है। शी वॉज वेरी मच वॉट टू से, शी वॉज वेरी मच सैड, isn't it? मतलब शी वॉज एकदम फीलिंग इतना डिप्रेस की वो याद कर कर के रोने लग गई थी, बिलखने लग गई थी अपनी मास को हक करके, राइट वंशिका? यस मैम। अब वो क्यों ऐसे कर रही थी? क्योंकि जो कालिदास है वो अपना ऑब्वियसली शादी कर लिया था, बट उसको इसका दुख नहीं था। बट जो उसकी बीवी आई थी, बीवी का नाम क्या था वंशिका? मैम प्रियंगु मंचरी। वेरी गुड। जो प्रियंगु थी अपनी, वो उसको क्या बोली थी ऐसा? किसके साथ शादी करवाना चाह रही थी? बोलो क्या ऑप्शंस रखी थी मैम? वो जो दोनों आए थे कलाकार, वो जो अजीब सा नाम था अनुस्वर अनुनासिक। हाँ, अनुस्वर अनुनासिक जो नौकर थे बेसिकली, तो उससे शादी कराने का सोचो बातें किया जा रहा था, और बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई थी जिससे उसका मन भर गया था, तो वो अपनी माँ अंबिका से चिपक कर रोने लग गई थी। ठीक है सी, घर के लिए भी बोला था कि घर भी तोड़ के नया बनवा लेते हैं। एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अब अंक 3 से स्टार्ट करें। सी आर रेडी? अपना पेंसिल तुम लोग लेकर बैठना, जो जो मीनिंग स्टफ है वो मैं बोलूंगी तो आप लोग लिखते भी रहना, ठीक है? तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं अंक 3। कुछ और वर्षों के बाद, माने और साल बीत गए, वर्षों और मेघ गर्जन का शब्द, ऑब्वियसली इनका हर वक्त तुम लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे। जो तुम्हारा एक स्टार्टिंग सीन है वो ऑलमोस्ट बेसिक है क्या, कि हमेशा मेघ गर्जन हो रहा है, हमेशा वर्षा हो रही है, तो अभी भी वही हो रहा है। मेघ गर्जन माने बादल जब गरजते हैं, आवाज करते हैं, बारिश होती है उसके साथ, उसको बोलते हैं। पर्दा उठने पर वही प्रकोष, वही प्रकोष माने वही कमरा, प्रकोष इज वॉट, जो एक सीन दिखाया जा रहा है, जो कमरा दिखाया जा रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं प्रकोष। तो सेम सीन है, सेम कमरा है, एक दीपक जल रहा है, सामने क्या जल रहा है? एक दीपक। याद रखो, तुम लोगों को आंसर्स में सब काम आएगा, जितना डिटेलिंग में जाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे। प्रकोष की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है, फर्स्ट वाले में जो था वो सेकंड में नहीं था, सेकंड में डिफरेंसेस आया था, जो भी सीन था, जो भी बैकग्राउंड था, थर्ड में भी बैकग्राउंड आया है जो हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, प्रकोष्ठ माने जो कमरे की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, माने बहुत डिफरेंस है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है, जर्जर माने कमजोर, सब कुछ बहुत कमजोर हो गया है, टूटा फूटा बोल सकते हो। अस्त व्यस्त माने बिखरा हुआ, अव्यवस्थित, ठीक से सजा हुआ नहीं। कुंभ केवल एक है, कुंभ का मतलब घड़ा है, जैसे वंशिका को तो रट ली होगी वंशिका, बिकॉज स्टार्टिंग से वर्ड सुन रही है कुंभ कुंभ, और सिया आप भी रट लोगे धीरे धीरे। कुंभ इज वॉट, अपना घड़ा, ठीक है, पॉट। कुंभ केवल एक है, स्टार्टिंग में 3 था, सेकंड में 2 हो गया और अब 1 हो गया, और उसका भी कोना टूटा है, जो घड़ा है उसका भी जो कॉर्नर है वो टूट गया है, कोई भी माने कोई भी सामान ठीक से नहीं है, इन शॉर्ट। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है, हमेशा हमने देखा है कि कुछ बेसिक चीजें रहती है, जैसे कुंभ है, फिर तुम्हारा आसन है, तो पहले के दोनों सीन में आसन का भी बताया गया था, तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आसन अपने स्थान से हटा हुआ है, माने जहाँ रहता है वहां नहीं है, और उस पर अब बाघ छाल नहीं है, पहले जो लायन का स्किन था, बाघ छाल माने क्या, बाघ माने लायन, छाल माने स्किन, तो वो बाघ छाल नहीं है, माने ऊपर में आसन पे लगा दिया जाता है तो वो अब नहीं था ऊपर का लेयर। दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं, स्टार्टिंग सीन में तो बहुत अच्छे से स्वास्तिक दिखाई दिया था, विजिबल था, सेकंड में थोड़ा सा फेडेड हो गया था, अब तो बोल रहे पूरा ही हट चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो डायग्राम्स थे, जो वो सजावट कर रखी थी स्वास्तिक के चिन्ह से, स्वास्तिक जो अपना हिंदू का होता है, वो सब चिन्ह से जो कर रखे थे वो सब कुछ भी नहीं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन है, पहले काफी बर्तन होते थे, अब तो गिने चुने बर्तन है, 2-1 बर्तन। चूल्हा माने अपना गैस हो गया, माने गैस, आज के जमाने का गैस नहीं, पहले के जमाने का, जैसे चूल्हा होता है, स्टोव होता है वैसे। एक सेकेंड, आपको एक एंटर कर रहे हैं समीरा। हाय समीरा, आपका ये अषाढ़ वाला चीज है बाबू? Yes, ma'am. अभी जस्ट स्टार्ट ही किए थे। हाँ, आपका 2-3 लाइन, मैंने 4-5 लाइन मिस हो गया, पर ठीक है, करो, आ जाओ उधर से। फिर बोल रहे दीवारों पर स्वास्थ्य के सब बुझ चुके थे, चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन है,
जिन पर स्याही चढ़ी है, स्याही माने कालापन। कालापन क्यों चढ़ गया है बोलो? क्योंकि साफ सफाई नहीं होती है, इसीलिए। अब साफ सफाई क्यों नहीं होती है, ऐसा क्या हुआ, वो आगे बोला जाएगा। माने जो अपना बर्तन था उस पे कालापन आ गया है, उसमें क्लीन वो नहीं करके रखा गया, ये चीज बोल रहा है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित है, एकत्रित माने इकट्ठा। और देखो वस्त्र भी कैसे फटे और मैले, मैले माने वापस से बोला जा रहा है क्लीन नहीं है, और फटे तो अपने को पता है, माने इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और कोई काम करने वाला भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि काम करने वाला नहीं है? अंबिका मलिका सब साफ सफाई क्यों नहीं कर रही है, ये हमें पता चलेगा। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है, माने कमरे में कोई भी नहीं है, पहले हमेशा दिखती थी ना अंबिका बैठी हुई, अब तो कोई भी नहीं। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। बैसाखी माने वो जो स्टिक होता है, जिनके पोलियो या जिनके पैर में प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टिक लेकर चलते हैं ना, उसको बैसाखी बोलते हैं अपने, ठीक है। मातुल भीगे वस्त्रों में माने भीगा हुआ पूरा, क्यों भीगा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था कि वर्षा हो रही थी इसीलिए, के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है, चारों ओर ऐसे ऐसे देखता है, दृष्टि डालता है माने नजर से देखता है, और एकदम तीव्र सांस लेता है, लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है, नकारात्मक माने नेगेटिव वे में सिर हिलाता है, और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है, प्रकोष्ठ माने कमरों के एकदम मिडिल में आ जाता है। मातुल मलिका, मातुल ऐसे बुलाते हैं, मलिका ऐसे करके, मलिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है, माने मलिका कहाँ बैठी थी, अंदर, तो अंदर से आवाज आता है। मलिका पूछती है कौन है, तो मातुल बोलता है मैं हूँ मातुल, देखो वर्षों ने, सॉरी वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है, दुर्गति माने बुरी दशा कर दी है, बुरा हालत कर दिया है, और किसने किया, वर्षा ने, बारिश ने, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी तो वो पूरा भीग गया था, इसी सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है, जैसे अंबिका फर्स्ट सीन में करती है, मातुल अपना पूरा सर से और कपड़ा जैसे भीग गया था, पूरा सोख था पानी से, तो उसको वो करता है, ठीक करते। मलिका अंदर से आती है, उसके वस्त्र फटे हैं, वस्त्र कैसे पूरे फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है, किसका रंग काला पड़ गया है, इनका जो रंग है, कलर है, काला पड़ गया है, क्या रीजन है पता चलेगा। और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है, आंखों का भाव माने जो आईज में एक्सप्रेशन होता है, आंखों में जो फीलिंग्स होती है, जो हमें दिखती है, वो भी थोड़ा अलग है, ठीक है, विचित्र माने थोड़ा स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है, मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी हो गया, इंसान जैसे दिखता है वो, तो उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी, प्रकोष्ठ माने क्या होता है, जैसे कमरा एकदम ढला ढला है, वैसी ही जीर्णता, जीर्णता माने तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा पुरानापन, थोड़ा अजीब सा वैसा उसके अंदर में दिख रहा है, माने स्ट्रेंज लग रही है वो, जैसी थी वैसी नहीं लग रही है, शी इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालन पालना रखा है। माने यहाँ पे क्या बोल रहे, किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, जब दरवाजा खुला तो जो अंदर का भाग दिखाई दे रहा है, वहां अब तल्प के स्थान पर, तल्प क्या था बोलो, बिस्तर, बेड जो था, ठीक है, उसके स्थान पर अब क्या आ गया, एक टूटा पालना रखा है, पालना माने जिसमें बच्चे सोते हैं, माने समझ जाओ देर इज समथिंग गुड न्यूज, देर इज समथिंग, क्योंकि अब वहां पे बेड नहीं है, और क्या आ गया बोलो, वहां पे आ गया है तुम्हारा पालना। नेक्स्ट, मलिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है, मलिका तो बाहर आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। मलिका, आर्य मातुल आप इस वर्षा में तो पूछ रही है आप क्यों आए, इतनी बारिश हो रही है, बारिश में आप आए। मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी, माने कि मैं तो ऑब्वियसली वर्षा में निकला होगा वो कहीं, तो वर्षा होने लग गई होगी, इसीलिए बीच रास्ते में और कोई जगह नहीं थी, शरण माने कोई पनाह लेने की, कहीं रहने की, कहीं जाने की जगह नहीं थी तुम्हारे घर के अलावा। सोचा जो है मातुल के लिए आज भी तुम वही मलिका हो, मतलब जो हो गया सो हो गया, बट मेरे लिए, मातुल के लिए, कौन हो मलिका तुम, सेम हो अभी भी। यह अषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है, काल माने मृत्यु जैसे, माने मेरे को सर्वनाश कर देगी, मेरा विनाश कर देगी, वैसा हो रही है अषाढ़ की वर्षा। अषाढ़ कब होता है पता है, जून जुलाई का अपना मंथ हो गया बेसिकली, सावन से पहले का महीना। नेक्स्ट, पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। पहले याद है वो कितना बूस्ट और फ्लेक्स कर रहा था कि मैं तो ऊपर से नीचे माने खाई से लेकर तुम्हारा पहाड़ तक चढ़ जाता हूँ, हम लोग का बॉडी इतना अच्छा है ये वो। तब वो कंपेयर कर रहे कि पहले जब दोनों पैर ठीक थे मेरे तब मैं क्या कर सकता था, कोई भी मुझे टेंशन नहीं था, बारिश का है किसी भी चीज का।
परंतु अब यह स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हो तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हो तो बैसाखी पीछे को फिसल जाता है। अब पैर में प्रॉब्लम हो गया, बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, तो जब वर्षा होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर पैर आगे रखू तो मेरी बैसाखी पीछे, और बैसाखी अगर आगे रखू तो पैर पीछे हो जाते हैं, मैंने बहुत प्रॉब्लम से चलता हूं। यह जानता कि एक सेकेंड, हाँ, यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां ना जाता। माने राजप्रसाद माने राजमहल, तो ये चला गया होगा कालिदास के पास, इसीलिए सोचा कि अगर मुझे पता होता कि वहां जाके मेरा पैर ही टूट जाएगा तो मैं वहां महल कभी नहीं जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं है। और वो लोग याद है जैसे अभी वंशिका एक्सप्लेन की थी कि वो लोग घर भर को भी चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी सेम है कि मैं जब चला गया था तो उन लोग मेरा घर भी ऐसा कर दिया कि अब मेरा पैर वहां पे भी टिकता नहीं है, मैं संभल कर चल नहीं पाता हूँ वहां पर। इन चिकने शीला खंडों से, तो वह मिट्टी ही अच्छी थी, माने पहले मिट्टी का घर था, फिर वो पूरा शीला शीला कर दिया था, चिकने माने स्लिपरी हो गया, इतना स्लिपरी है कि मैं चल नहीं पाता, माने फ्लोरिंग पूरा चेंज कर दिया है, और अब जो फ्लोरिंग कर दिया गया वो पूरा स्लिपरी है तो मैं ढंग से नहीं चल पाता। तो वो कंपेयर कर रहे क्या कि इससे बेटर तो वो मिट्टी थी, पहले मिट्टी का घर अच्छा था, जो पैर को पकड़ती तो थी, माने पैर हम पकड़ के तो चल सकते थे। मैं तो अब बाहर के रहते बेघर हो, मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, माने मेरा घर होते हुए भी मैं बेघर हूँ, कुछ ढंग से नहीं रह पाता, ना बाहर रहते बनता ना अंदर। कभी कभी होता है ना अपने कहीं भी माने सब जगह प्रॉब्लम लगता है, तो यहाँ पे भी सेम बोल रहे हैं ना, अंदर का हूं मैं ना बाहर का, कहीं भी मन नहीं टिकता। उन श्वेत शीला खंडों, श्वेत माने वाइट, बेसिकली मार्बल का बात करें, मार्बल का फ्लोरिंग होगा, उन श्वेत शीला खंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है। स्मरण माने याद, कि प्रसाद माने क्या हो गया, बेसिकली जो मुझे मिला है, जो मुझे गेन हुआ है, तो उससे मुझे समझ आ रहा है कि कितना सब नुकसान वाला चीज है। जहां रहकर एक पाव तोड़ा आया था, बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाह रहे कि मुझे अपने घर का फ्लोरिंग और वो वाइट वाइट मार्बल देखकर तो अपना वो सीन याद आ जाता है जब मैं कहाँ गया था, मैं गया था महल में रहने के लिए और वहीं मेरा पैर टूट गया था, क्योंकि अब यहाँ पे भी वाइट फ्लोरिंग हो गया। बस एक बार इतना पढ़ो गाइस, दो पेज, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी से। समीरा, प्रिया एंड वंशिका, एनी प्रॉब्लम पूछना, रीडिंग करना पड़ता है, ये नहीं हो रीडिंग नहीं करो।
हो गया रीडिंग तो बोलना गाइज, और कोई वर्ड में प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ आया तो जल्दी से बोलो. एनीथिंग? सिया तो थम्स अप. ओके वंशिका, समीरा कुछ प्रॉब्लम तो बोलना, नहीं तो थर्ड पेज से कराते हैं. ओके वंशिका, समीरा स्टार्टिंग में आपका मिस हुआ था तो अब रीड किए तो कोई दिक्कत आई? नो मैम. ओके आ जाओ पेज नंबर 89. मलिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए. माने शी इज सो केयरिंग, उसको समझ आ रहा है कि इनके पैर में प्रॉब्लम है, चोट लगी हुई है, इनको खड़े रहने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ऑफर करे कि आप बैठिए, आसन ले लीजिए. मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रखा देता है, सॉरी रख देता है और जमकर बैठ जाता है. मैंने बैसाखी को साइड में रखा और नीचे बैठ गया. मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती. अब वो देखो पहले मातुल का देखते हो लोग, तुम लोग को हम इसीलिए हमेशा बोलते हैं जो हमारा व्यू पॉइंट है, जो हमारा ख्यालात है, जो हमारा विचार है वो हमेशा चेंज होता है. एंड हमारे से मतलब सिर्फ हमारा नहीं, सबका. इजंट इट, पहले किसी को कुछ लगता है किसी चीज के लिए तो नेक्स्ट उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है उसी चीज के लिए. मातुल वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू तुम्हारा ये राजमहल, राइट? ही वॉज सो एक्साइटेड टू हैव लग्जरियस लाइफ. उसको चाहिए था कि वाओ, धन दौलत पैसा सम्मान इज्जत, जिसके कारण उसने कालिदास को भी भेजा था, राइट? तो वो इतना अटैच था वो सारी चीजों से, महसूस करता था. अब देखो उसका विचार कैसे चेंज हो गया. सीखो, देखो, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती. अब उसका व्यू पॉइंट है कि भाई साहब, राजमहल में अगर रह रहे हो तो उससे गंदा जगह या उससे गंदा कष्टकर जगह कोई नहीं हो सकता है. सबसे कष्ट देने वाला जगह वही है. आप आगे देखते हो तो प्रतिहारी जा रहे हो. प्रतिहारी माने बेसिकली तुम्हारा दरबान वाला चीज होता है, ठीक है? आप आगे देखते हैं तो कौन जा रहा है? तो प्रतिहारी जा रहे हैं. पीछे देखते हो तो प्रतिहारी आ रहे हैं, दरबान लोग, गार्ड्स लोग जो होते हैं वही. आगे देख रहे हो तो जा रहे हैं, पीछे देख रहे हो तो वो लोग ही आ रहे हैं. इट्स लाइक दैट. सच कहता हूं, मुझे कभी पता ही नहीं चला पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ. माने जो राजमहल है फुल ऑफ गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स, ये वो दरबान, मुझे समझ ही नहीं आता है मैं आगे चल रहा हूँ वॉच माने ये दरबान लोग के या दरबान लोग मेरे आगे चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह वो लोग ही होते थे. और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकने का मन करता था वे मेरे सामने सिर झुका देते थे. मेरे सामने, अब वो बोल रहे हैं मैं इतना तुच्छ मनुष्य, मैं इतना छोटा मनुष्य, जिनके सामने मुझे था मन करता था कि आदर एक रेस्पेक्ट से मैं सर झुकाऊं, परंतु वो लोग मुझे देखकर सर झुकाते थे. और ये बेसिकली अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा अभी के सीन में, ये सोच रहा मेरे सामने मैं तो कुछ हुई ही नहीं. बेसिकली देखो तो कभी कभी होता है हमारे क्वालिटीज के कारण हमारे सामने सर झुकाया जाता है, राइट? बट तुम लोगों को क्या लगता है मातुल के सामने उसके क्वालिटीज के कारण सर झुकाते थे लोग? टेल मी, कोई भी अनम्यूट करके. नो मैम. तो क्या रीजन होगा बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि लोग उसके सामने सर झुकाते थे? मैम कालिदास. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, एकदम क्रिस्प आंसर. क्या कालिदास? कालिदास का मामा है और कालिदास एकदम माने वहां की राजकन्या का पति है, बोलकर सर झुकाते थे. तो ऐसा तुम सम्मान लेकर करोगे भी क्या भाई? अचार डालोगे? कभी कभी देखते हो तुम लोग माने टू बी वेरी ऑनेस्ट, सपोज तुम किसी की वाइफ हो तब जाके तुमको रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो तुमको सच में क्या लग रहा है वो रेस्पेक्ट भी कोई काम का है? कम ऑन, तुम अब तुम खुद क्या हो? बहुत सारे लोगों को देखोगे कि उसके हस्बैंड एक अच्छे पोजीशन में, तो वाइफ भी एक घमंड एंड वाइफ भी एक अलग तौर तरीका शो करती है, राइट? बट क्या वो सच में डिजर्व करती है? अगर हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन देखें तो भाई तुमने क्या अचीव किया लाइफ में, वो चीज देखो ना, राइट? बहुत लोग अपने पिता के सम्मान के कारण माने पिता इतने ऊपर है तो पिता के कारण बच्चों को सम्मान मिलता है, तो वो सम्मान भी कोई चीज है. एक सोचो, एक 20 साल का लड़का है जो खुद के मेहनत से कुछ किया, अपने पैरों खड़ा है, और एक 20 साल का लड़का है वो सिर्फ अमीर पिता का बेटा है, बोलकर लोग उसके सामने झुकते हैं, तो किसमें ज्यादा मजा है? ऑब्वियसली अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कमाने में इन दी सेंस, पैसा नहीं, सम्मान कमाने में. तो यहाँ पे भी ये है कि सम्मान का असली मजा भी तब आता है जब तुम खुद कुछ हो, ना कि दूसरे तुम्हारे सामने तुम्हारे आस पास के लोगों के कारण झुके. ये चीज हमेशा याद रखना.
और इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि अगर ये लाइन आ गया कि वो ऐसे क्यों बोला, मेरे सामने वाला चीज जो भी, तो तुम लोग ये चीज लिखना कि वो उसको रियलाइजेशन हो गया था क्या कि ऑब्वियसली उसके सामने उसका कोई क्वालिटी, उसके कोई गुण के कारण लोग नहीं झुकते थे, बल्कि कालिदास उसका भांजा था इसीलिए झुकते थे। नेक्स्ट, हाथ से अपनी ओर संकेत करता है, मेरे सामने ऐसे दिखाते हैं, बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा, खुद बोल रहे मेरे अंदर क्या क्वालिटी है भाई जो मेरे आगे सिर झुकाएगा, मातुल ना देवी है ना देवता, ना पंडित है ना राजा, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे, वंदना माने रेस्पेक्ट या पूजा बोल सकते हो, ठीक है, इज्जत दे, परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे, माने वहां पे जब मैं गया तो मेरे को तो छोड़ो, मेरे शरीर को तो छोड़ो, मेरे उतरे हुए कपड़ों को की भी पूजा की जाएगी, क्यों, जस्ट बिकॉज देखो देखो ये किसके मामा है, कालिदास के। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हार्ड मास का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है, तो ये इतना खुद से इसको आदत नहीं था, तो इसको खुद को इतना स्ट्रेंज लगता था, इतना अजीब लगता था, वो ये चेक करता था कि यार मेरा शरीर मेरा ही शरीर है ना, या कोई और जैसे मूर्ति का हो जाता है, पत्थर का बन जाता है शरीर, वैसा शरीर है, इसको यकीन नहीं आ रहा था। और बेसिकली ये भी है कि सब लोग समान सेम ही तो है ना, समान रूप में ही है, समान भाव में ही है, तो वो लोग मेरी ऐसे पूजा क्यों कर रहे हैं, वंदना क्यों कर रहे हैं। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है, ना ही सॉरी कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है, ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं, केवल हम वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। अब ही इज वेरी हैप्पी, इज बैक टू हिज ओरिजिनल गांव प्लेस है ना, वो बहुत खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि वो अपने गाँव में आ गया, तो अब उसको लगता है कि वाओ यहाँ पे मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे फेक रेस्पेक्ट नहीं दिखाता है मेरे को कि मेरे सामने सम्मान से समथिंग, या फिर कोई ना मैंने और क्या एक चीज बोला था, हाँ, या फिर मुझे ना डाउट भी नहीं होता है, भ्रम भी नहीं होता है कि यार मेरे आगे पीछे दरबान लोग घूम रहे हैं, गार्ड्स लोग घूम रहे हैं, वो बस वर्षा का एक प्रॉब्लम है, और आई एम वेरी मच हैप्पी। और यहाँ पे देखो तुम लोगों को लगता होगा इसको क्या प्रॉब्लम है, बॉडीगार्ड्स घूम रहे, अच्छा है तो है राइट, बट इट इज रियली हेक्टिक, जैसे शाहरुख खान लोग का अपना रहता है, माने प्रिवेसी बोलकर एक चीज होती है, तुम लोग सोचो अभी तुम लोग को लग रहा है कि वाओ हमें फेम मिले, हमें पॉपुलैरिटी मिले, या कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे मिले, बट सच में जब मिलता है ना तो तुमको ऐसे लगता है कि यार तुमको फेक एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले तुमको एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम एकदम अच्छे रहोगे, जैसे तुम नहीं होते तुम एक फिगर बन गए हो, वैसे पब्लिक फिगर बन गए हो, तो लोग तुमसे आशा करेंगे तुम हमेशा ही अच्छे रहोगे, तुम तो एक अलग ही हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, और तुम क्या सोचोगे कि यार मुझे तो परफेक्ट दिखना ही पड़ेगा, लोगों का देखो मेरे से कितना आशा है, तो तुम लोग को लगता है ऐसे लोग खुश रह सकते हैं, डू यू रियली थिंक, जो अपने में ही नहीं रह सकते उनको फेक रहना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम हैप्पी रहना इट्स नॉट पॉसिबल, हर टाइम हंसते रहना इट्स नॉट पॉसिबल, हर टाइम लोगों से काम नहीं होता है, सिर्फ सुनते रहो कुछ रिएक्शन नहीं निकले, गुस्सा नहीं निकले, इज इट पॉसिबल, नो नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे यही चीज है कि कितना प्रॉब्लम होता है जब तुम फेम या कोई फिगर बनकर जीते हो, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। नेक्स्ट चैट बॉक्स, ओके, हाँ चलो नेक्स्ट, फिर क्या है, फिर मलिका बोलती है वस्त्र सूखने के लिए आग जला दू, आग जला दू, मुझे साइड में आग जला दू, जिससे नहीं होता आप गर्म हो जाओ, वैसे बॉनफायर जैसे करते हैं अपने वैसे। मातुल चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है, वापस चूल्हे को देखता है, फिर इधर उधर देखता है। मातुल तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है, फिर बोली क्या हालत कर दिया है, अवस्था माने हालत, excuse me, अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही, माने अंबिका ना नहीं रही, the bad news is what, अंबिका is no more, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही, माने घर अब ठीक से रहता ही नहीं है, अरेंज रहता ही नहीं है। यह ठीक है कि प्रियंगू मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी, अब इसे इसको क्रॉस चेक करे कि मैंने सुना था प्रियंगू ने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं गोल्ड कॉइन्स भिजवाई थी तुम्हारे लिए, क्या हुआ तुमने क्या उसको सच में लौटा दिया था, और साथ में वस्त्र भी भिजवाया था, तो गाइज याद रखो क्या क्या भिजवाया था, बोलो, कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, ये चीज आगे बढ़ता। मल्लिका मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी, शी इज सो गुड इजंट इट, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड, व्हाई विल आई टेक, मैंने घर की जो भी अवस्था है जो भी चीज है, बट मैं उससे क्यों लूं,
नेक्स्ट, मैले वस्त्रों के पास जाकर उनको नीचे से भोज पत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है। मैले वस्त्र थे, क्लीन करने का टाइम नहीं होता है, गंदे वस्त्र थे, ठीक है, वस्त्र इस कपड़े गंदे थे, तो उनके पास उनको नीचे उतार देती है और कुछ बुक्स निकालती है, ठीक है, भोज पत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है। जैसे उन लोग को पेपर्स में लिखते थे ना, वैसे वाला चीज, तो पेपर्स पेपर्स माने वो लीव्स, लीव्स वाले चीज में लिखते थे, तो उसका वो ग्रंथ भी बना रखी थी, ग्रंथ माने पूरा बुक, तो उसको वो निकाल लेती है और उसकी धूल जाने लगती है, ऐसे ऐसे क्लीन करती है, बहुत टाइम से माने निकाली नहीं है इसीलिए धूल जम गया। मलिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, अच्छा तो हो गया। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था, परिसंस्कार मतलब होता है तुम्हारा रेनोवेशन के लिए, तो उसने अपने आदमियों से कहा था, अपने नौकर चाकरों से कहा था, स्थपतियों माने जो करते हैं वो सब काम, तुम्हारा रेनोवेशन है सब काम, तो उनसे कहा था कि इसका घर रेनोवेट करा दे। तो मलिका बोलती है मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी, बोलती कोई जरूरत ही नहीं है भाई रेनोवेशन का, क्यों कर रहा हूँ। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है, ग्रंथ माने जो बुक था, इधर उधर स्थान देखती है फिर सामने रख देती है। आग जला दू, ऐसे लगता है बुक को ही आग जला दे, तो फिर वैसे तो नहीं बोली आग जला दू, माने ऑब्वियसली उसको क्या है वो, माने वो भीग कर आया था इसीलिए पूछ रही है आग जला दू। मातुल, नहीं वर्षा थम रही है, बोलते जरूरत नहीं है, वर्षा रुक रही है। बैसाखी लिए हुए झरोके के पास चला जाता है, झरोके इस विंडो के पास जाता है, हल्की हल्की बूंदे है, बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है, किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाओ तो वही वस्त्र सुखाऊंगा। तो बोले जरूरत नहीं है, बस पैर में प्रॉब्लम है इसीलिए घिसटता घिसटता घर चला जाऊं लंगड़ाता हुआ, तो वहीं पे अपने घर पे ही चेंज कर लूंगा। वहीं फिर धारासर बरसने लगा तो बस, सॉरी कहीं फिर धारासर बरसने लगा तो बस, धारासर माने बहुत अनलिमिटेड एकदम गंदा वाला बारिश होने लगा तो बस, तो माने अटक जाऊंगा इसीलिए वो। झरोके से हटकर मलिका के पास आ जाता है, विंडो से हटा और मलिका के पास आया। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? कश्मीर का बात क्यों हो रहा है, कौन बोलेगा मेरे को? एनीवन, कश्मीर वर्ड कहाँ सुने थे? सिया, वंशिका, समीरा, से अरे आप लोग को ही बोलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोलूंगी। क्या था बोलो, कश्मीर? वंशिका तो बोल ही सकती है, समीरा भी शायद अटेंड की थी, कम ऑन मैम। वो कालिदास और वो प्रियंगू मंजरी लोग जा रहा था कश्मीर में राज करने। बस वेरी गुड, वेरी नाइस, यही चीज था, ठीक है। वंशिका आप हो ना, क्योंकि मुझे पता आपको आंसर तो पता ही था। यस मैम पता था, तब बोल क्यों वाली थी, तब समीरा ने बोल दिया। हाँ इतना मेरे को पता है, यू नो आपने अटेंड किया था। नेक्स्ट देखो फिर क्या है, तो कश्मीर वहां गया हुआ था, ठीक है, और ये सब बेसिकली आप लोग बोलोगे मैम कश्मीर क्यों नहीं लिखा है ये वो, तो बेसिकली हम एकदम स्टार्टिंग में जो आप लोग यूट्यूब में भी देखा होगा उसमें भी हम बोले थे कि इसमें बहुत सारी चीजें रियल है, तो बहुत सारी अपना इमेजिनेशन के ऊपर है, हर एक चीज रियल कैरेक्टर नहीं है, जैसे कालिदास रियल है, एक दो कैरेक्टर्स रियल है, एक दो प्लेसेस रियल है, बट हर एक चीज रियल नहीं है, तो यहाँ पे यही बोला है इसीलिए कश्मीर वर्ड बना। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मलिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर दिखती है, गंभीर माने सीरियस और स्थिर माने एकदम उसी को देख रही है। मलिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? तो मलिका, आज का तो जमाना है नहीं अपने लोग जैसे कि घर में टीवी चला लो या समथिंग, तो यहाँ पे बोलते मैं तो घर पे रहती हूँ कहाँ से सुनूंगी कुछ भी। तो मातुल बोलते मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है, माने आई एम श्योर, कुछ ऐसा सुना है जिससे मुझे विश्वास नहीं भी हो रहा, हो भी रहा है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, फिर बोलते हैं क्योंकि राजनीति माने पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव माने इम्पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता, जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, माने अपने जैसे सोचते ना, ये तो हो ही नहीं सकता है तो पॉलिटिक्स में पॉसिबल है हो जाए, और हम लोग सोचते हैं तो होगा ही होगा तो पॉलिटिक्स में पॉसिबल है ऐसा ना हो, ये चीज हो रहा है, और यह भी संभव है कि जो है वह ना हो, माने जैसा भी हो सकता। मलिका अप्रतिम सी उसकी ओर देखती रहती है, मैंने एकदम शौक से कि भाई ये क्या बोल रहे, प्रतिमा जैसी, मूर्ति जैसे नहीं बन जाता है, वैसे उसको देख रही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मलिका फिर बोलती है परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया, सम्राट माने किंग और निधन माने डेथ, सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है, विद्रोही माने जो अपोजिट होते हैं, जो हम माने होते हैं राजा के जो अपोजिट लड़ रहे हैं वो, विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है माने उनमें ताकत आ गई जो अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वहां से आए एक आहत सैनिक का कहना है, आहत माने घायल सैनिक, जो दौड़ दौड़ के यहाँ आया होगा वो बोल रहा था ये सब,
कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है, माने कालिदास भाग गया कश्मीर छोड़ दिया। मल्लिका उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, माने वो इतने ब्रेव इतने अच्छे वो कश्मीर छोड़ दिया ऐसे बोली है। वैसे अप्रति पर आसन पर बैठ जाती है, माने बुद्धि नहीं है, जैसे मूर्ति बन जाती है स्टैचू एकदम बिना बुद्धि वैसे ही बैठ जाती है। और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं, माने पुनः माने वापस कहाँ चले गए, उज्जैनी चले गए ऐसे पूछ रहे हैं। मातुल नहीं, उज्जैनी नहीं गया, वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया। संन्यास माने मोह माया की दुनिया से दूर, कोई भी रिश्ता किसी से नहीं रखना है, दूर अपना कुछ कर रहे हैं और काशी चला गया। संन्यास लेकर कहाँ चला गया, काशी। परंतु मुझे विश्वास नहीं होता, उसका राजधानी में इतना मान है, माने जो कैपिटल है उज्जैन है, वहां पे कितना मान सम्मान है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कैसे भाग सकता है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था। माने अगर कश्मीर नहीं जा सकता तो काशी क्यों गया, तुम इससे बढ़िया उज्जैन चला जाता भाई अपने राज्य में। परंतु असंभव भी नहीं है, एक राजनीतिक जीवन दूसरे कालिदास, माने बोल रहे हैं ना कि असंभव नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक जीवन पॉलिटिक्स भरा लाइफ और एक हमारे कालिदास जो उसके विपरीत थे, तो ऐसे कंपेयर करें कि इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कालिदास वैसे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं आज तक दोनों में किसी भी धुरी नहीं पहचान पाया, धुरी माने दोनों में कोई भी एक सेंटर एक मिडिल पॉइंट नहीं देख पाया जो लिंक है। मैं समझता हूँ कि जो मुझे मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है। ये बोलता है कि मैं हमेशा जो जो एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, हमेशा उसका उल्टा ही होता है, सत्य उसके विपरीत माने उल्टा ही निकलता है। और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। फिर सपोज माने पहले मैं सोचा था ये सत्य है, बट मुझे पता चला कि ये सत्य है। अब मैं इस सत्य में आया तो पता चला ये भी सत्य है, ये सत्य है। समझ गए, माने घूमता ही रहता हूँ, इसका मतलब विपरीत माने उल्टा। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वह सदा झूठ होता है। इसीलिए समझ गया कि भाई एक ही सच है कि मैं जो भी सोचूंगा जो भी समझूंगा वह झूठ है। इसमें अब तुम निष्कर्ष निकाल लो तो सत्य क्या हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया है। निष्कर्ष माने कंक्लूशन, कि अपने एंडिंग में क्या निकाल सकते हैं कि सत्य ये क्या हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। दो ही सत्य हो सकता है, या फिर वो सच में संन्यासी बन गए या फिर वो संन्यासी नहीं बने। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसीलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। स्टार्टिंग से देखिए मातुल अपने बातों में फंसाते हैं, तब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भाई यही समझता हूँ, क्या समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया। अकॉर्डिंग टू मी वो संन्यास वन्यास नहीं लिए, वो सन्यासी नहीं बना है। बट अगर मैं ये सच समझता हूँ कि वो सन्यासी नहीं बना है, मतलब विपरीत होगा, विपरीत माने वो सन्यासी लिया है और वो काशी चल गया। माने कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो गया कि नहीं गया हमें, बट इस एंडिंग पार्ट में पता चल ही जाएगा। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है, माने जो बुक था ऑब्वियसली कालिदास के था, उसको अपने वक्ष माने दिल से लगा लेती है। एक बार इतना देखो बाबू तुम लोग, फिर आगे पढ़ते हैं मल्लिका से। एक बार इतना देखो जल्दी से,
गाइस क्लियर है या कोई दिक्कत है बताओ? समीरा सिया पढ़े हो तो अच्छे से रीडिंग करना, जब भी रीडिंग देते हैं सच में बहुत बेनिफिशियल है। समीरा वंशिका क्यों रीडिंग? चलो आ जाओ फिर काम क्लियर है। ओके आ जाओ। मलिका नहीं है सत्य नहीं हो सकता, मेरे हृदय से स्वीकार नहीं करता, तो बोलते हो ही नहीं सकते, वो सन्यास बन जाए, सन्यासी ले ले, सन्यासी बन जाए, आई मीन सन्यास ले ले। मातुल मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, तो बोलते हाँ आई टोटली अग्री बिकॉज मैं तो तुमको बोला ही था क्या कि मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, इसीलिए बोलते ना जो भी बोलूंगा भाई कॉन्ट्रोवर्शियल है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूँ, यह तो ठीक है, मैंने कोई मानेगा ही नहीं या क्या सच्चे सच है मुझे पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए चलो बोलता है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है, मैंने ऑब्वियसली बैसाखी की आवाजें आती है तो वो वैसे चलते चलते चला जाता है, इसीलिए पटकता हुआ लिखा है। मलिका गुम सुम सी आसन पर बैठी रहती है, उदास हो गई कि भाई हुआ क्या। मलिका नहीं तुम काशी नहीं गए, अपने आप से बात करिए, जो उसके मन में कालिदास बस है उससे बात करिए बेसिकली। देखो नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने सन्यास नहीं लिया, मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था कि मैंने एक कॉमेडी में भी ले लो अगर ले सकते हो तुम कि यार कम ऑन तुमको एक तो मैं भेजी कि तुम अपना लाइफ सेटल करो, तुम सन्यासी ले लिए क्या इसीलिए भेजे, और ऐसे सच में अगर सीरियसली देखो तो उसका मन इतना अटैच था तो ऐसे बोल रही है कि नहीं होता है कि तुम्हारे जीवन के लिए भेजा था, तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजा था, ना कि सन्यास लेने के लिए भेजा था, तुम्हारा जीवन अपग्रेड होगा, अपग्रेड इन द सेंस कि और अच्छा होगा और ऊपर की ओर जाओगे, ग्रोथ की ओर जाओगे, है ना, विकास की ओर जाओगे, ये सोचा था बट तुम तो कुछ और ही कर दिए। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो, और मैं तुमको इसलिए भी नहीं भेजी थी कि तुम पॉलिटिक्स में जाओगे, कोई राजा का काम करोगे, राज्य संभालोगे, मैंने तो इसलिए भी नहीं भेजा। फिर भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, फिर भी तुम किए शासन किए राज्य संभाल रहे थे तो भी मैंने गुड विशेस दिया, ग्रीटिंग्स दिया, शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे भी शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, बट लगता है तुमने वो ग्रीटिंग्स भी मेरा स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तुम तब उधर भी टिके नहीं। ग्रंथ को हाथों से लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है, माने ग्रंथ को देखती है क्योंकि उसके हाथ में और कुछ नहीं है, कालिदास का एक चिन्ह है जो बुक थी जो उसको मंगाई थी, तो उसको हाथ में रखती है और हाथ में रखकर उसको अभियोगपूर्ण माने आरोप भरी दृष्टि से देख रही है कि माने जैसे कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कोई बहुत बड़ा What to say that word? कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है कालिदास, तो आरोप भरी दृष्टि से उसको देख रही है, उसको माने कालिदास को ही सोच रही है, ग्रंथ को देख रही थी बट ऐसे कालिदास को सोच रही है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, माने हाँ मुझे पता है एक्सेप्ट मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। द मोस्ट रोमांटिक लाइन अगेन क्या है कि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूं तो इट्स ओके कोई बात नहीं, बट तुम तो मेरे जीवन में हमेशा रहोगे। इसको ही क्या बोलेंगे अपने वन साइडेड प्यार, एक तरफा प्यार की कीमत, isn't it guys? तो यहाँ पे यही चीज है, मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। देखो सच अ ट्रू लव isn't it कि यार तुम तो दूर चले गए इट्स ओके, बट मुझे तुमसे कभी कुछ चाहिए नहीं था, हु आर यू टू गिव मी, मैं तुम्हें दे रही हूँ, मतलब मेरे पास सफिशियंट है, आई एम हियर टू गिव, आई एम नॉट हियर टू टेक, राइट, रिटर्न बैक में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसको कभी एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। तो वो यही बोली मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही तो क्या हुआ, तुम तो मेरे जीवन में हमेशा ही थे और तुम कभी भी मेरे जीवन से दूर गए नहीं, तुम रचना करते हो और मैं समझती रही हूँ मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है, माने तुम क्रिएट करते हो, रचना करते हो, माने तुम कुछ बनाते हो, क्रिएट करते हो अपनी अपने ये जो वो गद्य है जो काव्य है वो सबसे तुम बनाते हो, रचते हो, ठीक है, और तुम जब रचते हो ना तो मुझे लगता है मैंने कुछ पा लिया, isn't it? बोलो सिया आपका विचार क्या है इस प्यार के ऊपर, क्या ये सच्चा प्यार है या नहीं है, बोलो सिया बोलो। You need to speak. मेरा क्लास हमेशा कॉन्वर्सेशन से भरा रहता है, बताओ सिया फिर उसके बाद बाकी लोग से भी पूछेंगे कैसा प्यार लग रहा है, बोलो। मैम लाइक हाँ ये ट्रू लव कह सकते हैं एक तरफा, बट समटाइम्स मतलब ऐसा थोड़ा बेवकूफी भी लग रही है, मैंने पूरा खुल के बोलो क्या लग रहा है, मतलब अगर आप होते हैं सोचो आप मलिका हो, सपोज इमेजिन करो यू आर मलिका, तो आप क्या करते, मैंने इसके सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते, मूव ऑन करते,
नहीं ऐसा प्यार करते जैसे मलिका कर रही है। मैम वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली इतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, पर हाँ वैसे एज अ ह्यूमन लाइक शी इज रियली काइंड और काफी ज्यादा मतलब आपको लगता है कि ऐसा प्यार प्रैक्टिकल नहीं है राइट, ऐसा एक तरफा नहीं, मैम मतलब अगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज तो आजकल तो बहुत ज्यादा हर चीज में डेवलपमेंट है, मतलब हर फील्ड में यू हैव टू बी समथिंग, या फिर मतलब ये सब स्टिक ऑन तो हम नहीं कर सकते ना, तो वी हैव टू मूव ऑन या फिर कुछ भी ऐसा तो कर लेंगे, वो तो करियर वाइज में करेंगे ना, कि हम लोग आपका मतलब है हम लोग एक जगह स्टक नहीं रह सकते इन दी सेंस कि हम लोग सपोज ऑब्वियसली हम अपना करियर डेवलप कर रहे सब कर रहे ठीक है, बट पर्सन वाइज तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर्सन वाइज तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ ऐसा है जैसे मलिका और कालिदास का दिखाया गया है कि मलिका का कनेक्शन ही ऐसा है, बट वो मूव ऑन तो छोड़ दो, उसका अलग वे में मूव ऑन हो गया था तो आई वोंट गो उस चीज में, बट फिर भी ऐसा कोई कनेक्शन हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, मतलब वॉट टू डू, इट्स पागलपंती देन। नो मैम देन तो उसके बाद इट्स ओके, अगर वो सेटिस्फाइड है एंड शी थिंक्स कि वो अपने उसमें शी इज कम्प्लीट, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो। अपनी भावना में कम्प्लीट हो, गुड, वेरी नाइस, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखकर अच्छा लगा। वंशिका चलो बताओ, एस आई नो वंशिका का पॉइंट ऑफ व्यू, वंशिका फिर भी बताइए। मैम पागलपंती है। क्यों वंशिका, एक तरफा प्यार को आप पागलपंती बोल रही हो? मैम एक साइड से मतलब दोनों साइड से चलो फिर बात भी होती है, वो बेचारी पागल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अच्छा की है कि नहीं वो तो अपने को नहीं पता, लेट्स सी आगे क्या स्टोर में है कि उसने जिंदगी बर्बाद की है कि नहीं, बट ऐसा प्यार करना पागलपंती है राइट वंशिका? यस मैम बहुत बड़ी। कूल समीरा आपका कुछ विचार? समीरा शायद रोड में है समथिंग आई गेस। हां समीरा बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट किया था। मैम वंशिका जो बोली वही हमको भी मतलब लग रहा है, लोग सेटल कर ले तो बस ऐसा, उसने जो बोला उसी में, बट ठीक है इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे वो कितना कितना अच्छा तो छोड़ दो, आप लोगों को जैसा अच्छा है बुरा लगता है वो लाइन बोली, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो, मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया, तुम रचना करते हो और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, कि मैं कंप्लीट हूँ, तुमने बनाया बट मुझे लगता है कि मैं कुछ हासिल कर ली, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रहण को घुटनों पर रख लेते, घुटना माने नींव पर ऐसे रख लेती है ठीक है, और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निर्थक कर रहे हो, माने नेगेटिव जीरो कर दे रहे हो, माने फ्यूटाइल कर रहे हो, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लाइफ में, ऐसा कर रहे हो तुम। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्गीन दृष्टि से उनकी ओर देखती है, परेशान उद्गीन माने एकदम परेशान दृष्टि से ग्रंथ को देखती है, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती, क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो, इसका मतलब इनडिफरेंट ठीक है, ये जो वर्ड है तटस्थ इसका मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट बेसिकली, अलग दृष्टि, तो बोलते तुम जीवन को अलग दृष्टि से देख सकते हो परंतु मैं तो अब अलग दृष्टि से नहीं देख सकती, क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकती हो। आप कालिदास उसके मन में बैठी कालिदास से विचार कर रही है या पूछ रही है, क्या तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो जो मैं देखना चाहती हूँ, जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं, माने इतने साल तुम्हारे बिना मैंने कैसे बिताए हैं, तुम समझ भी रहे हो मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। अब माने सच में उसके अंदर की बातें निकल रही है कि ये जो भी मेरे साथ हुआ घटना मैं एक्सेप्ट थी, क्योंकि तुम प्रोग्रेस कर रहे थे विकास कर रहे थे, पर अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने जितना भी कॉम्प्रोमाइज किया जितना भी त्याग किया अब वो क्या है, सब चीज नष्ट हो गया, क्योंकि तुम सन्यासी बन गए हो या तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है, खोलती है और पालना जो है देखना पालना, पालने की ओर संकेत करती है, जीव को देखते हो, मैंने एक बच्चा था वहां पे, तो बोलते हो इस जीव को देख रहे हो, पहचान सकते हो, या मलिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मैंने उस बच्ची को क्या नाम दिया, मलिका, मैंने खुद को ही समझ रहे वो बच्ची मलिका है और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ, और उसकी माँ कौन हूँ, मैं, मैंने मेरी माँ जैसे अंबिका थी जैसे मेरी देखभाल करती थी, अब उसकी देखभाल मैं करती हूँ, या मेरे अभाव की संतान है, अभाव माने कमी लैक जब होता है तो उसकी संतान है, जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, माने तुम ही मेरे फीलिंग थे, वो कभी कोई और हो ही नहीं सकता, परंतु अभाव को कोष में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं, परंतु अभाव माने लैक के कोष माने कमरा, माने अंदर में जो ऐसा कमरा है जो खाली है जो लैक है जिसमें कमी है उसमें किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां, अब उस खालीपन में कोई और आ गया है, कोई और आकृतियां माने फिगर आ गया है,
जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण, मैंने अपना नाम खो दिया है, अब मलिका मलिका नहीं रही, एक विशेषण माने एडजेक्टिव बेसिकली उपर्जित किया है। इसका मतलब क्या है, पहले मलिका एक इंसान थी, एक नाउन बोल लो थी, बट अब वो खो दी है उसको, और अब वो क्या है, सिर्फ एक विशेषता के रूप में आ रही है, एक विशेषण के रूप में आ रही है, एक एडजेक्टिव के रूप में आ रही है और कुछ नहीं। उपर्जित माने पैदा हुई हूं, मैं ऐसे आ गई हूं, माने अब मैं नहीं हूं, मैं कोई और ही हूं, और अब मैं अपनी दृष्टि में काम नाम नहीं केवल विशेषण हूँ, जैसे तुम लोग को बोल दी कि मैं नाउन ही बन के रह गई हूँ, मैं कोई माने सॉरी मैं एडजेक्टिव बन के रह गई हूँ, मैं कोई नाउन नहीं हूँ, माने मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, समझ रहे हो, नाउन इज व्हाट, कोई अपना पर्सनालिटी, कोई अपना व्यक्तित्व, बट नहीं मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक विशेषण बन के रह गई हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है, वापस से दरवाजा बंद करती है, लौट गई आसन पर। व्यवसायी कहते थे, व्यवसायी माने बिजनेसमैन लोग कहते थे, उज्जैनी में अपवाद है, अपवाद माने बदनामी है, तुम्हारा बहुत सा समय वरांगनाओं में सॉरी वरांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। अब यहाँ पे देखो और एक चीज डिस्क्लोज होता है, हाउ कालिदास वॉज इंजॉइंग हिज लाइफ, माइट भी ऐसे बोल सकते हैं अपने, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बिजनेसमैन जब उज्जैन से आते थे, और उज्जैन से बिजनेसमैन से ये क्यों मिलती थी, कॉपीज लेने के लिए, वो जो लिखता था उसकी, तो बोलते वो लोग जब आते थे ना, तो तुम्हारा बहुत सा समय, माने वो लोग बताते थे कि कालिदास का बहुत सा समय पता है कहाँ बीतता है, वारांगनाओं, वारांगनाओं माने प्रोस्टिट्यूट लोगों के साथ, माने वो अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करता था, व्यतीत माने स्पेंड करता था, परंतु तुमने वरांगना का यह रूप भी दे सॉरी पर तुमने वरांगना का यह रूप भी देखा है, माने एक तो प्रोस्टिट्यूट वैसे एंटरटेनमेंट वाला चीज होता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं जो भी शारीरिक चीजें हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि परंतु, जो अपनी मलिका बोल रही है, परंतु तुमने ये रूप भी देखा है वरांगना का, माने दूसरा, आज तुम मुझे पहचान सकते हो क्या, तुम मुझे पहचान पा रहे हो, मैं हूं कौन, क्योंकि वो खुद ही खुद को नहीं पहचान रहे, मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ, मैं आज भी वही हूँ, मैं आज भी पर्वत पे जाती हूँ, पहाड़ पे जाती हूँ, वही बादल के लाइंस को देखती हूँ कि बादल गरजते हैं और झुंड में जो बादल निकल रहे हैं, तो मेघ मालाओं माने जो बादल झुंड में निकलते हैं उसको बोलते हैं, उसी तरह ऋतु सनारो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ, माने मेरा हर एक चीज तुमसे ही है, जो मैं पहले करती थी वही आज भी करती हूँ, मैंने अपने भाव के कोष को रिक्त नहीं होने दिया, मेरे फीलिंग्स के कमरे को, जो मेरा भाव है उसके कमरे को, कोष माने कमरे को, खाली नहीं होने दिया, रिक्त माने खाली, परंतु मेरे अभाव को की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो, परंतु समझो जो अभाव है, लैक है, जैसे तुम लोग हमेशा बोलते हो ना कि यार वन साइडेड लव क्या, माने उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो आज वो उसी बात को थोड़ा बोल रही है, क्या बोल रही है, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा, जो मेरी पीड़ा है, कमी की जो पीड़ा है, उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, तो उसे प्रश्न करिए ऐसे, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, इनडायरेक्टली बोलना चाह रही है कि तुम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। कुनिया आसन पर रखकर बैठ जाते, कुनिया इज ये आसन पर रखती है और बैठ जाती है, और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है, वही बुक हाथों में उठा लेती है। नहीं तुम अनुमान नहीं लगा सकते, तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलर, वापस हाँ, अब वो खुद आंसर दे रही है उसको, इतना वो इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि उसको पता है, तुम गेस भी नहीं कर सकते, तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, तुम फील भी नहीं कर सकते हो कि मैं कितनी अभाव में हूं या कितनी पीड़ा में। फिर बोलता है तुमने लिखा था, मैंने पढ़ा था कि तुमने लिखा था क्या, कि एक दोष माने एक नेगेटिव क्वालिटी, एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाती है, बहुत सारा गुण है तो वो दोष क्या होता है, छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में, चांद है ठीक है, उसकी जो रेज आ रही है, किरणें हैं उसमें कलंक माने पीछे जो कालापन है चांद का, वो छिप जाता है, वैसे ही किसी का एक दोष उसके बहुत सारे गुणों में छिप जाता है, परंतु दारिद्र्य, दारिद्र्य माने गरीबी नहीं छिपती, माने क्वालिटी छिप जाता है, नेगेटिविटी छिप जाती है, अच्छे गुण छिप जाते हैं, जो भी चीज छिप जाता है, पर गरीबी नहीं छिपती, सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपती, हजार गुण हो जाए तो भी गरीबी नहीं छिपेगी, जैसे कोई इंसान बहुत क्वालिटी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बट वो गरीब है तो लोग उसकी गरीबी देखेंगे, गरीबी नहीं छिप सकती, नहीं छिपता ही नहीं, सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है, ये छा नहीं खा होगा, तो यहाँ पे यही बोलता है, बोल रही है कि नहीं छिपता ही नहीं, माने छिपना तो छोड़ दो, बल्कि तुम्हारी क्वालिटी को भी खा जाएगा, तुम्हारी हर एक अच्छी चीजों को भी क्या करेगा, तुम्हारा गरीबी खा लेगा। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है, अंतर्मुख माने अपने अंदर सोच रही है, अंदर की ओर जा रही है, इनर क्या बोलते हैं, अपना इनर वे में जा रही है, स्पिरिचुअल वे में जा रही है, ना कि बाहर के वे में देख रही है।
परंतु मैंने यह सब सह लिया, बट बोलती है तुम जानते हो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैंने सब सहा है, इसीलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती हूँ कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं टूट रही हूँ ना, कोई बात नहीं, मेरा कालिदास तो बन रहे, वो तो कुछ इंसान बन रहे, कुछ बड़ा बन रहे, इट्स लाइक दैट, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती हूँ, क्योंकि देखो क्या प्यारा प्यारा लाइंस लिखी है, क्योंकि मैं खुद को खुद में नहीं देखती हूँ, तुम में देखती हूँ, तुम जो वही मैं हूँ, मेरी मिरर तुम हो, तुम जैसे बनोगे मैं खुद को वैसा ही समझूंगी। और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, नाउ आई एम मैंने हियरिंग कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम सब छोड़ दियो जिस पे मैं प्रेज करती थी, तुम बड़े इंसान बन रहे हो, तुम सब छोड़ के क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बोलो संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, तटस्थ हो रहे हो माने इंडिफरेंट हो रहे हो, उदासीन भी वही है कि किसी के प्रति कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे, मेरी सत्ता माने जो मुझे पावरफुल लगता था, मैं अपने तुम्हारे पावर को अपना पावर समझती थी, तुम उससे मुझे वंचित माने हटा रहे हो, अलग कर दे रहे हो, बिजली कौनती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है, वही बैकग्राउंड भी नेचर भी साथ देता है ना, तो बिजली कौनने लग जाती है और वर्षा हो रही है वापस से, वही अषाढ़ का दिन है, माने वापस से बोल रही है आज भी अषाढ़ का दिन है, माने जून जुलाई वाला डेज जो है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, देखो बादल भी गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, बारिश भी हो रही है, वही मैं हूं, मैं भी वही हूँ, तुम्हारी उसी घर में हूँ, घर भी वही है, किंतु किंतु वॉट, किंतु तुम नहीं हो, सब है पर तुम नहीं हो, घर वो प्रकृति वो माने नेचर वो घर वो फीलिंग्स वो मैं वो पर तुम नहीं हो, इट्स लाइक दैट। पुनः बिजली कौनती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और डीओडी डीओडी माने जो दहलीज है वो का द्वार धीरे धीरे खुलता है, दरवाजा खुलता है गाइस, नाउ सी कालिदास शत विक्षा क्या विशत सा द्वार खोलकर ड्योडी में ही खड़ा रहता है, कौन एंट्री किया, कम ऑन, कौन एंटर कर रहा है, कालिदास इज हियर, ही इज बैक, कालिदास शत विशत माने जिसके पूरा घाव भरा हुआ है शरीर में, ठीक है एकदम, वो द्वार खोलकर आ गया, मल्लिका किवाड़ खुलने से शब्द से उधर देखती है, उधर देखती है सॉरी, दरवाजा खुला तो उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है, मतलब कम ऑन कालिदास इज हियर, आफ्टर इतना साल ये लोग मिलेंगे, इमेजिन करो मतलब क्या बीत रहा होगा, जस्ट सोचो एक बार मल्लिका बन के क्या बीत रहा होगा, वो एकदम अचानक खड़ी हो जाती है, कालिदास अंदर आता है, ही एंटर्ड, मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है, माने एकदम रिजिड हो गई, उसको समझ नहीं आ रही हुआ क्या, और वो उसको ही देख रही है, एक बार इतना देखो कालिदास क्या बोलते हैं, वो तो अपने नेक्स्ट डे देखेंगे, बट जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वंशिका सीएन समीरा कालिदास इज हियर, क्या लगता है उसको लेने आया या क्या करने आया है, टेल मी, बोलो बोलो मैम, अब उसे उसकी वर्थ पता चलेगी, बट ऐसा ही होता है ना, जब कोई दूर चला जाता है हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं, बेसिकली ये तो नहीं की चलो ठीक है, बट फिर भी हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं, तब जाके बर्थ समझ आता है, राइट, हाँ या ना, यस मैम, क्या हमें फिर एक्सेप्ट करना चाहिए उनको, सब लोग बोलो यार तब तो मजा आएगा, मैम हमारी इंग्लिश में हमारी जो शेक्सपियर की नॉवेल है ना उसमें उसमें उसके फादर ने यही कहा है, जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू नहीं होती है, इट इज ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो क्या लग रहा है हमें, क्या वापस मौका देना चाहिए कालिदास को, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं? समझ गए, अभी क्या होगा आगे वो है सस्पेंस, एक बार रीड कर लो, इतना बाकी लोग को ऐड करने होने बोलते, तुम लोग इतना रीड करो,